बस तुम लोगों का आशीर्वाद रहा तो एक दिन बुर्ज खलीफा भी खरीद लेंगे। एक दिन जब वो दिन आएगा तो आएगा। अच्छा गाइज, आपने गलत गाना देखा होगा, कितना अच्छा गाना है और कितना अच्छा गया। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है उस गाने को। हमारा रंग लग गया गाने को, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। जो इसमें मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि आप लोगों का कौन सा फेवरेट गाना है, देखो रंग लग गया तो ऑलवेज, रंग लग गया, मोहित चौहान, आशीष कौर, कम ऑन, इनमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। गाने तो दोनों ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। हाय, क्या रे आरती बेटा, ऐश कर रहा है? हाँ ऐश कर रहा हूं, रिक्वेस्ट लेना, भेज भेज रिक्वेस्ट भेज। हाँ ऐश कर रहा हूं, रिक्वेस्ट लेना, भेज भेज रिक्वेस्ट भेज। रुक रुक, कैसे भेजते? देखो, रिप्लाई टू रिपोर्टर, गो टू लाइव विद आरती 5। ये आजा जान, कितने गया? वाई यू पॉज्ड? मैंने कहाँ पॉज किया, मैंने पॉज नहीं किया। अच्छा, कहीं से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ती है क्या? गो लाइव इन रूम इनवाइट। सॉरी गाइज, मुझको रिक्वेस्ट भेजनी भी नहीं आती, मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ इंस्टाग्राम। भेजी भेजी, किसी ने तो भेजी, आरती ने भेजी। आरती गो इन लाइव रूम, गो इन लाइव रूम, आरती इनवाइट। कैसे भेजते हैं लाइव, कैसे भेजते हैं? रिक्वेस्ट रिप्लाई टू जान कुमार सानू, गो लाइव विद जान कुमार सानू, गो लाइव विद जान कुमार सानू हो रहा है, कर रहा हूं मैं, सेंड कर रहा हूं, गो लाइव विद। हाँ आ जा। पता नहीं यार क्या भसूड़ी है यहाँ पे, आई डोंट अंडरस्टैंड। या दुबई के थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अलग हैं। मुझे लगता है आप अकेले ही जान, मतलब अकेले ही लाइव आ सकते हो, किसी के साथ लाइव नहीं कर सकते। ये कैसी बात है यार? आरती तेरी रिक्वेस्ट आनी भी तो चाहिए, तो मैं एक्सेप्ट करूं? मैं तो आई नहीं रही, रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है। अच्छा बाय द वे गाइस, मैं थार लेने वाला था और मेरी थार आने वाली थी, लेकिन आरती ने थार ले ली तो मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा, वरना लोग बोलेंगे सेम सेम गाड़ियां लेके घूमते हैं ये लोग। व्हाट द एफ, आरती थार पे घूमेगी? बताओ, अरे लॉन्डो वाली गाड़ी है वो, आरती सड़ा दी, मेरी फूक गई थी ये देख के कि आरती ने गाड़ी ले ली। शिट, पर कोई बात नहीं, मैं दूसरी गाड़ी लूंगा, बेटर वन। हंस रही है, तेरी गाड़ी मैं लेके घूमूंगा बेटा, मुंबई में तो रुक जा। कहा, अरे कैसे रिक्वेस्ट भेजू, कोई तो बता दो, एक्सेप्ट कर लो। कितनी आई है रिक्वेस्ट? इतनी सारी तो आ गई, 50-60, क्या आई है? आरती जान कुमार, जान आजा भाई लाइव, आजा आजा आजा, एक्सेप्ट कर ले, मैं तेको रिक्वेस्ट भेज दी। तू जैगवार ले ले, जैगवार बहुत ही घटिया गाड़ी है बाय द वे, ठीक है? इतनी हाई मेंटेनेंस गाड़ी है ना वो, मैं नहीं लेता, आई गो फॉर मर्सिडीज और BMW, या कुछ नहीं पता, थार ही ले लूं मैं फिर, कुछ नहीं पता मेरा, पर थार लूंगा ना अच्छे से, फिर मॉडिफाई कराऊंगा कि तेरी गाड़ी ऐसी लगी नली सी मेरे आगे। यार कैसे भेजते हैं रिक्वेस्ट, कोई तो बता दो। सारे बातें करे जा रहे हैं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं। एक मिनट, लाइव जान जान, मैं देखते को फिर से रिक्वेस्ट भेजी है, एक बार एक्सेप्ट कर। बाय द वे गाइज, मैं आपको ये बात बता दूं, जो जान ने अभी अपने लाइव में बताई थी कि उसने गाना गाया था वही वाला जो वो गाना हमको सुना रहा था, माँ वाला, उस बंदे ने मेरी दिल की ऐसी तार छेड़ दी थी, मैं आधे घंटे तक रोया था भाई साहब।
ये बंदा इतना बढ़िया सिंगर है, इतना बढ़िया सिंगर है कि शायद आप लोगों को लाइव पे गाना सुन के वो मजा ना आए, पर जब हम रियल में उसके सामने बैठते हैं ना, जो ये गाता है, दिल की तारे छेड़ देता है ये बंदा। सो ही इज अ ग्रेट 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 सिंगर। जब हमने जैमिंग की थी बिग बॉस के अंदर, वो वाला कंटेंट दिखा नहीं सकते थे क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, तो हमारे बिग बॉस वालों ने नहीं दिखाया उसको। पर अगर वो दिखाते तो आप देखते कि कैसे अली और मैं और जान कैसे फूट फूट के रो रहे थे गानों में। तो जो जो बोर हो रहा है, निकलो ना यहां से, आई एम बोर्ड। इतना टाइप भी करना है, रहना भी है इसके अंदर, लाइव के अंदर, निकलो यहां से। ओ यू गाइस वांट मी टू डू दिस, लिसन डियर, मैं तुमको बताता हूं कि क्या हुआ था। तो वो हुआ था ये गाइस, तुम पता है मैं ये सब कर तो देता हूं, पर शायद लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं ये सब करने से। पर ठीक है, ये फन के लिए, ये उनको भी समझना चाहिए, कोई ऐसा मजाक नहीं बनाते, ये एक फन है। ओके डियर, देखो मैं कैसे अभी लाइव पे बात कर रहा हूं, है ना। ओके आरती माता से मैं तो वो शुरू हो जाता है, इनके ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। आशिमा आए, क्या हाल है? और हैं 200 देसाई, दो कर देता है और इतनी बातें करता है, इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, मैं उससे बात भी करता हूँ, एंड ही इज अ नाइस गाय, आई लव दैट पर्सन। उसको एक एक बारीकी पता ना बिग बॉस की, हमने क्या किया था क्या नहीं किया था। और जान यार, रियली सॉरी मैन, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा लाइव, मैं सिर्फ तेरे लिए ही लाइव आया हूँ इस वक्त कि मुझे तेरे साथ लाइव करना था। अब ये मैडम मुझसे पूछ रही है इडली और डोसा, अभी तो कह रही थी बोर हो रही है, अब गई क्यों नहीं है? अब निकलो, दफा हो, फिर बोर हो रहे हो तो। और मैं जब बिग बॉस में गया था 14 सीजन में, मैंने जो भी किया था आप सबने देखा ही था, वो सब बहुत क्लियर था, कोई भी चीटिंग नहीं थी उसमें। पर हाँ, शो के अंदर जो मेरी सबसे ज्यादा, जिससे मेरा प्यार बना, वो जान है। और जान सीरियसली मेरा जान है, बहुत ही प्यारा बंदा है और आई जस्ट लव दिस गाय। और जान तो बोल रहा था कि हम दुबई आएंगे, भाई मैं तब से दुबई में ही हूँ, नेक्स्ट जब हम दुबई आएंगे तो तू साथ ही आएगा, एंड वी गोना डू अ नाइस प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। और शायद कुछ लोगों को लाइव में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैं प्रोड्यूसर बन चुका हूँ, मैं गाने प्रोड्यूस करता हूँ अब। ओके तो जान, बहुत जल्दी मेरे प्रोडक्शन से एक गाना आएगा जो कि बवाल होगा। और यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है शुभांगी नागर, देखो आंखें, वाह वाह, कुछ नहीं, फिल्टर लगाया हुआ है ना। तो शुभांगी भी एक बहुत अच्छी सिंगर है, ए आर रहमान से सीखी हुई है वो भी गाई। और आशिमा, यू वर टू गुड इन बिग बॉस, थैंक यू यार, तेरे लिए तो मैं हमेशा अच्छा ही रहूंगा, तुम तो मेरी पत्नी थी शो में, बड़े बहू में, क्या हो गया तुमको? तेजी जी मत ना, तेजी थी, तेजी कर दूंगा सबको क्रेजी। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये जो हेटर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम आता कहां से है? चुप आके अपनी लाइव में उल्टी सीधी चीजें लिखना शुरू कर देंगे, पता नहीं क्या, ऐसे उनको लगता है कि मतलब उनको कोई प्राइज मिल जाएगा इससे, या उनको अटेंशन चाहिए होता है। फुकरे हो पहन, जो तुम फुकरे लगते हो सारे के सारे, जो भी ये उल्टी सीधी बातें लिखते रहते हो, नहीं समझ में आ रहा तो निकलो यहां से, कटो पहन, कौन बुलाता तुमको लाइव में, आके देखना भी, ओ पारस इज लाइव, लेट्स गो एंड टॉक शिट, है ना। तुमसे ज्यादा अच्छी शिट बोल लेता हूं मैं, बेइज्जती पे बेइज्जती मार दूंगा तुम्हारी लाइव पे, वहां पे जान को जाके फालतू बोलते हो, यहां बोलते हो वहां बोलते हो, क्या चक्कर है ये? अपना काम करो ना फुद्दू। रास्तू अर्जित, क्या हाल है? ये देखो मायरा भी आ गई, भागी। मायरा आ जा, थोड़ा लाइव की स्ट्रीमिंग और बढ़ जाएगी। बहुत मुश्किल से मैंने शुरू किया ये लाइव दुबई में वीपीएन लगा के। आ गई, आ गई, लगाओ फिर। ओके, विच टीम यू आर टॉकिंग अबाउट? आई एम द टीम। हाँ यू आर राइट, दे आर वेले बाबा, आई विल ट्राई लाइव रिक्वेस्ट भेजने का। हाँ भेजो। और मैं तेको एक बात बताऊं जान, जो तू बोल रहा ना कि मैं अमीर नहीं हूं, मैं बॉट्स नहीं करवा सकता, अरे ये सब बॉट्स करवाते हैं, ये सब फुकरे लोग करवाते हैं, हमको जरूरत नहीं है भाई। और अमीर हम दिल से हैं, ठीक है, दिल से अमीर होना बहुत जरूरी है, पैसों से नहीं। पैसा तो आती जाती चीज है, राजा भी भिखारी बनते देर नहीं लगती, और एक भिखारी को भी राजा बनने में देर नहीं लगती। कीप इन माइंड, दिल को अच्छा।
स्वच्छ रखो और बड़ा रखो और सच बोलो। तो सच सच बोलने से तो लोगों की दुई में आग लग जाती है, दैट इज द फकिंग प्रॉब्लम। सर मेकअप के लिए मेकअप नहीं कराना मुझको, फिल्टर है यहाँ पे। सर आपको मेकअप के लिए लेट हो, मैं तेरा दिखाऊं? ओके मेकअप के लिए लेट हो रहा है। मायरा गाइस पीछे से हाय बोल रही है सबको, मायरा के फैंस यहाँ पे हैं जो बोल रहे हैं मायरा कहाँ है मायरा कहाँ है। मायरा यहाँ पे पीछे छुपी हुई है, और अगर मैंने जल्दी से अभी घुमाई तो भाग जाएगी वो, तो मतलब नहीं है। जान तेरी रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, रुक एक बार फिर से भेजता हूँ जान। ओ कोई मेकअप नहीं कराना मुझको, जा। सर आपकी हेयर टीम वेट कर रही है। नो नो नीड ऑफ ऑल दिस, पीछे से कमेंट्री चालू है। सर आ जाओ मेकअप के लिए रेडी, 100% हाय क्यूटी पाए माहिरा, आशिमा तेको हाय बोल रही है, आए पीछे से आए आए। एक बार दिखाने देना, सब मिस कर रहे हैं मायरा, देखो रुक जा, ये देख मैंने कर दिया, ये देखो ये है, ये भागी, ये मायरा भागी, मायरा मायरा दरवाजे बंद कर दिए तुम्हारी माँ का, इतनी क्या शर्म है, इतनी क्या शर्म आ गई लाइव आने में, क्या नहीं चाहिए मुझे टीम अभी फिलहाल। चलो गाइस मैं तुमको थोड़ा दुबई दिखा देता हूं, है ना, ये लो दुबई देखो, कुछ नहीं दिख रहा, पैर की टंग ए दिख रहा है ए, ओके ना। तो लाल इश्क भाई ने गाया मेरे लिए, जान ने, लव यू। जो जो लोग मुझको जानते हैं पर्सनली उनको सबको पता है लाल इश्क मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और ये देखो बाकी 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 मायरा एक बार हाय तो करते सबको, हेलो आई लव यू। लड़की उधर मचाती फिर रही है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो गाइज अभी सुनने में आया मेरे कि दिल्ली में, और ये देखो एक बड़ी बड़ी, ये देखो ये है राजन पासी, ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बंदा है, ये मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट राजन पासी। दो लड़कियों को बिग बॉस में अंदर भेजने वाला आदमी ये है राजन पासी। अरे अरे तो गाइस फन कर रहे हैं, फन है ना। और मैं क्या बोल रहा था कि हाँ लाल इश्क मेरा फेवरेट गाना है, जो लोग मुझको जानते हैं रियल में वो सब जानते हैं कि लाल इश्क इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। और जितने मेरे गाने वो तो मेरे फेवरेट हैं, और मायरा वाले भी मेरे फेवरेट हैं। क्या ठीक है, ओके ये तुम्हारी गलत फहमी है जो लोग बोल रहे हो ना कि मायरा तैयार नहीं है, शी इज ऑलवेज रेडी ब्रो। चलें, चलो ओके गाइस अब मुझको जाना पड़ेगा, और दुबई में अभी कुछ सेफ है, यहां पे कोई लॉकडाउन नहीं है, यहां पे कोई कोरोना के इतने केसेस नहीं है। दिल्ली में और मुंबई में लॉकडाउन लग चुका है, तो मैं सभी को यह बोलना चाहूंगा कि आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को सैनिटाइज रखें, मास्क पहने रहें, और घर में रहो, थोड़ा रिलैक्स करो, है ना, जरा बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, अभी माहौल थोड़ा ठंडा है, उसके बाद सब घूमना फिरना ऐश करना, क्योंकि वैक्सीन भी आ चुकी हैं, वैक्सीन लगवाओ और अपने आप को सेफ करो एटलीस्ट। और ये भी बात बता दूं, वैक्सीन लगाने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि आप कोरोना ना हो, कोरोना होगा पर लंग्स तक नहीं पहुंचेगा वो, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई है, सभी फैंस को, सभी लोगों को जो भी ये देख रहे हैं, चाहे हेटर्स हो चाहे लवर्स हो, आप सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवा लें और अपना ख्याल रखें। शुभांगी मेरा न्यू फेवरेट सॉन्ग रंग लग गया, सुनती हूँ मैं अमेजिंग सॉन्ग, ऑफ
कोर्स रंग लगे जितनी मर्जी बार सुन लो कम लगता है, आई एम हुक्ड टू दैट सॉन्ग। ओके गाइस, पाकिस्तान से भी लोग देख रहे हैं अपने को।